हमें पिछले क्लास में इंडिपेंडेंट पढ़ाया था। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या था कि जैसे ए और बी दो इवेंट है, बी इवेंट जैसे अभी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पी है, यानी इवेंट बी नहीं हुआ है, उसके पहले ही यदि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पी है और कोई इवेंट बी हो जाता है, उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी सेम रह जाए, तो हम कहते हैं कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो जब ए बी से इंडिपेंडेंट है तो बी भी ऐसे इंडिपेंडेंट होगा। तो लेट और क्या केस था इसके लिए, इसके लिए ये केस था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यदि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। इसको मैंने एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। इसके बाद एक और रिजल्ट था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाए। यानी हमें इंडिपेंडेंट चेक करना है तो सबसे इजी होता है इसको चेक कर लीजिए, सबसे इजी। तो सर ये कब अप्लाई होगा, ये कॉमन सेंस में अप्लाई होगा, कॉमन सेंस में ही अप्लाई होगा, ठीक है ना। आप इवेंट बार बार नहीं लिखोगे ना, तो उस केस में ये क्या होगा, ये इजीली अप्लाई आप कर सकते हो, कॉमन सेंस है, अपना थिंकिंग को डेवलप करके आप इसको यूज कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इंडिपेंडेंट का केस हो रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी आर क्या है, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट, ये गिवन है, ये गिवन है, ठीक है ना, ये आपका मेन पॉइंट है, गिवन है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो इसको हमें इंडिपेंडेंट दिखलाना होगा ना कि ये इंडिपेंडेंट कैसे है। तो यदि इसको इंडिपेंडेंट आप बोल रहे हो, इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमें क्या प्रूफ करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यदि आप ये दिखलाने में सफल हो जाते हो, यानी आप इस चीज को क्लेम कर देते हो, यहां से यहां पहुंच जाते हो, तो आप बोल सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट बी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट एक है और एक बी इवेंट है, ये दोनों क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। कब, जब ए और बी इंडिपेंडेंट होगा उस केस में। तो मुझे बताइए ये कैसे कीजिएगा, तो हम डिफिनेशन अप्लाई करेंगे किसका, उसी का जो हम करते हैं, ये हमें क्लेम करना है, ये हमें क्लेम करना है, ठीक है ना। आइए क्लेम करने की कोशिश करते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन चलेंगे ना, अकॉर्डिंग टू हम डिफिनेशन चलेंगे ना, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन चलेंगे। तो हमारा डिफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, हमें ये प्रूफ करना है ना, ये हमें क्लेम करना है, ठीक है। तो एक मैं काम करता हूं, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बतलाओ। तो देखो मैं आपको बतलाता हूं, अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा था, ठीक है, क्योंकि चीजों को हम वे को फॉलो कर रहे हैं ना, मेरे दिमाग में ये चल रहा था, रियलिटी बोल रहा हूं कि यहां से हम कर पाएंगे क्या, यहां से हम कर पाएंगे क्या। तो मैं उतने ही देर में सोच लिया कि यार यहां से हम कब लिखेंगे, जब ऐसा दिया रहे तो ना हम लिखेंगे, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट दिया है और इसके इंडिपेंडेंट के बारे में हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता है ना, हम करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो फिर मैं ये फिगर बनाया उतने ही देर में, तो फिर मेरे दिमाग के अंदर ये प्रोसेस क्या हो गया, कैंसल हो गया, भले मैं यहाँ पर लिख करके नहीं दिखलाया, लेकिन मैं कुछ सेकेंड का इंटरवल लिया था इधर से उधर घूमने में, तो मैं यही सोच रहा था, बोलते समय भी सोच रहा था, और ये अप्लाई नहीं हो रहा था। फिर मैं सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो फिर मेरा ये क्लिक किया कि एक बार यहां से प्रोसीड करो। तो देखो वे होता है ना, हमने यहां से सोचने की कोशिश किया, रास्ता नहीं मिल रहा था, आप देख लो, आप लिख करके देख लो, रास्ता आपको नहीं मिलेगा, आपको पाथ नहीं मिलेगा आगे बढ़ने के लिए,
कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे यहां पर? अब वही कंडीशनल अप्लाई करोगे, फिर से आप यहीं तक पहुंचोगे ना, फिर से मिला जुला करके बात यहीं तक पहुंचेगी, ठीक है ना? तो कुछ खास कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा, यानी यहाँ यहीं तक आ पाओगे, आप घूम फिर करके यहीं तक पहुंचोगे, ठीक है? तो जब घूम फिर करके हम यहीं तक पहुंचने वाले, तो मैं डायरेक्ट इसी को करता हूँ, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होता है? जिस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल सा फंडा है, जिस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है वो पहले रहेगा माइनस। अब हमें मालूम है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, ये हमें मालूम है, ये गिवन है, ये गिवन है, गिवन ए एंड बी क्या है? इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन हो रहा है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया ना, और इसको आप क्या लिख सकते हो, ए का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहां से गाड़ी यहां पहुंच गई, यानी जहां मुझे पहुंचना था वहां मैं पहुंच गया, मींस ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी क्या है, इंडिपेंडेंट, यदि ये इंडिपेंडेंट होगा तो ये भी इंडिपेंडेंट है। अब ये सिमिलरली आपका काम है, आप इसको क्लेम कर लीजिएगा कि ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, आर इंडिपेंडेंट होगा, ये भी क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट होगा, यानी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है? साथ में ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर इंडिपेंडेंट होगा, ये भी आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट का केस होगा। जब ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो ये सभी के सभी केस इंडिपेंडेंट होगा, तो इसको भी आप क्लेम कर सकते हो। किस रिजल्ट से? आप इस रिजल्ट से क्लेम करोगे, कहोगे सर दोनों पर कॉम्प्लीमेंट है, तो भाई दोनों पर कॉम्प्लीमेंट है तो ए को सी मान लेना ना, जैसे वहां दोनों पर कॉम्प्लीमेंट आएगा ना, आप ऐसे कर लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, आप लिख सकते हो जिस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसको आप सी ले लेना, इसको आप कुछ देर के लिए सी ले लेना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इसको जब सी ले लोगे तो बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। समझ में आया? ये मैंने कैसे किया, ये पॉइंट समझे? मैं इसी फॉर्मूले का एप्लीकेशन किया हूं, बस बी कॉम्प्लीमेंट है ना, दोनों पर कॉम्प्लीमेंट है तो क्या दिक्कत है, इसको मैं सी ले लूंगा ना, इसको मैं सी ले लूंगा, तो जब आप सी ले लोगे तो यही हो जाएगा ना, देखिए तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, तो आप क्या लिखते, आप यही ना लिखते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, जिस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सी ए इंटरसेक्शन सी लिखते हैं, और सी क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट आपने मान रखा है ना, बी कॉम्प्लीमेंट को पुट कर दीजिए, वापस से फिर से इस फॉर्मूले को अगेन अप्लाई कीजिए, तो वहां से आप कहां तक पहुंच जाइएगा, प्रोडक्ट तक पहुंच जाइएगा, वहां से इस रास्ते को फॉलो करते हुए आप प्रोडक्ट तक पहुंच जाइएगा, तो आप इसको लिख लीजिए यहां पर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट होता है ना? हाँ, तो वेन डायग्राम में अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को मतलब ड्रॉ करेंगे तो उसमें तो कॉमन नहीं आता। क्यों नहीं कॉमन आएगा यार, वेन डायग्राम प्लॉट करो, आप डिसजॉइंट लेकर के केस कर रहे हो ना। अच्छा,
दो इवेंट का इंडिपेंडेंट समझ में आया, ठीक है, जैसे ए बी और सी थ्री इवेंट्स है, ठीक है ना, आर इवेंट ये क्या है लिखना, और कोई ऐसे कहे कि probability of A intersection B intersection C equal to probability of A into probability of B into probability of C, क्या A B C को हम independent बोलेंगे? हाँ, क्या A B C independent कहलाएगा? कोई बतलाओ जी सर, आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, पी ए और पी बी एक साथ इंडिपेंडेंट हो आपस में, मैंने वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सर ऐसे तो नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, देखिए ये इंडिपेंडेंट तब होगा, इसके लिए काउंटर एग्जांपल में देखता हूँ, ठीक है ना, सोचना पड़ेगा मुझे, सोचूंगा नहीं, गूगल से लिख दूंगा, ठीक है ना, पहले देख लेता हूँ क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा मुझे। तो अब देखो, यदि ये ए बी सी इंडिपेंडेंट कब कहलाएगा, यानी ए बी सी आर कॉल्ड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ 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 ए और बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, यानी ए बी बी सी, यानी ये पेयर वाइज डिसजॉइंट हो और साथ में क्या हो, ये भी हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, यानी पेयर वाइज डिसजॉइंट कर दो, पेयर शॉर्टकट इफ ए बी सी आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, सॉरी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज, पेयर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हो एंड साथ में एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो आप बोलिएगा कि ए बी सी क्या है, ये इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इस केस में कहलाए, ठीक है ना, ये कहलाएगा ऐसा जब होगा, यानी अब इसका मतलब कि कभी कभी क्या होगा ना कि पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा लेकिन ये नहीं होगा, तो इसलिए इसको लिखना जरूरी है। अब ये नहीं कि पेयर वाइज डिसजॉइंट हो गया तो वो म्यूचुअली म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। वो कब कहलाएगा, जब आपका ये भी हो और साथ में ये भी, देखो बीच में एंड लिखा हुआ, यानी दोनों एक साथ हो, ऐसा नहीं कि पेयर वाइज डिसजॉइंट हो गया और गाड़ी यहां तक पहुंची ही नहीं और अब बोल दो कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो गलत हो जाएगा। और केवल ये है, केवल ये है और ये नहीं है तो फिर भी ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं।